क्या वजह थी, कैसे मारा इतने बेरहमी से तूने, तुझे जरा भी उसके ऊपर शर्म नहीं आई, तुझे जरा भी सरस नहीं आया और तुझे उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक बार फिर रिश्ते के चाचा ने अपने मासूम भतीजे की जान ले ली। हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। दो दिन से 7 वर्षीय मासूम अपने घर से लापता था और वह घर वापस नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। अंत में मृतक का शव हत्या आरोपी के घर मिला। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर मृतक मासूम के शव को बरामद कर लिया है। जनपद रामपुर के स्वार टांडा अंतर्गत मोहल्ला चक निवासी घसीटा ने पुलिस को सूचना दी कि उसका 7 वर्षीय पुत्र 2 दिन से लापता है और काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सुराकशी की गई। इस दौरान पड़ोसी फैज को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को अंजाम देना बताया और उसी की निशानदेही पर उसके घर में रखे ड्रम से मासूम का शव बरामद किया गया। घटना के खुलासे के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हत्या आरोपी मृतक मासूम का रिश्ते का चाचा बताया गया है। मेरे बच्चे को बेमौत मार दिया, बेकसूर को, बेवजह बहुत बुरा असर करा उसका साथ, बहुत दर्दनाक मौत दी उसको। उसको जालिम ने तड़पा तड़पा के मारा है, बेमौत मारा है मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। अगर दुश्मनी तेरी कोई भी रंजिश थी तो मुझसे निकाल लेता, बड़ों से निकालता। बच्चे से क्या था, तुझे शर्म नहीं आई, तू कौन सा कट्टर दिल हो गया था। जाती हूँ, फेस को छोड़ना मत ही, फेस को मत छोड़ना। और जो है सारे फेस के घर वालों ने मिलके मेरे बच्चे को मार डाला। क्यों मारा, कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी रंजिश नहीं थी हमारी उनके साथ, लेकिन क्या मालूम क्या मकसद था, क्या मतलब था जो मेरे बच्चे को मार डाला। कहाँ रहते हैं? जिन पड़ोसी हैं हमारे। अच्छा। दोस्त बस बन के दुश्मनी करी है हमारे साथ। कितनी उम्र थी बच्चे की? 6-7 साल की उम्र थी मेरे बच्चे की। 7 साल का बच्चा था मेरा, चंचल बहुत था मेरा बच्चा। पढ़ाई करता था? एडमिशन कराया था स्कूल में, पढ़ रहा था। हंसता खेलता रहता था, जिसने मारा उसे भी बोलता रहता था, हंसता रहता था, आगे पीछे सबके फिरता था। उसे ये तो पूछो क्यों मारा, क्या वजह थी, कैसे मारा इतने बेरहमी से तूने, तुझे जरा भी उसके ऊपर शर्म नहीं आई, तुझे जरा भी सरस नहीं आया और तुझे उसके ऊपर क्या चाहती हो, क्या मिला तुझे उसको मार के। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं मेरे बच्चे को उसने तो छीन लिया, मुझे जिंदगी भर अपाहिज कर गया, अब जिंदा लाज बना के चला गया मेरा बच्चा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, एक लड़का एक लड़की रह गए, एक लड़के को उसने छीन लिया। मेरे बच्चे का बहुत दर्दनाक हशर करा है उसने। मैं चाहती हूँ कि उसके साथ भी ऐसी हो, उसको फांसी होना चाहिए और जल्द से जल्द, जब भी मेरे दिल को तसल्ली मिले। कल 1 तारीख को घसीटा निवासी मोहल्ला चक कस्बा व थाना स्वार रामपुर द्वारा थाना स्वार पर आकर सूचना दी गई कि उसका पुत्र 31 तारीख की रात्रि 9 बजे घर से निकला था, जो वापस नहीं आया। इसकी खोजबीन की गई तो इस बच्चे का शव उसके घर के पास में ही उसके पड़ोसी के घर में मिला। और इसमें जो पड़ोस इसका परिवार का ही है, फैज जो मृतक का चाचा लगता है, तो उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा इस बच्चे की हत्या करके एक ड्रम में सबको रख दिया गया और आगे विधि कार्रवाई की जा रही है।